Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter number 8, Mathematical Induction and Binomial Theorem. और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बाइनोमियल थ्योरम. और इस टॉपिक इस लेक्चर में हम दो छोटे छोटे से टॉपिक्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है. एक तो है मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, यानी कि अगर हमने हमारे पास एक बाइनोमियल गिवन है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है और उसकी एक्सपेंशन भी हमें पता है किस तरह से होगी, तो हम उसकी जो है मिडिल टर्म किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि बगैर एक्सपेंड किए हुए हम उसकी मिडिल टर्म किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. तो सपोज चलें टॉपिक का नाम पहले मैं लिख देता हूँ, द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन. और हम कहते हैं कि हमारे पास बाइनोमियल जो है वो क्या है, एक्सप्रेशन जो है वो है a प्लस एक्स पावर n है, ठीक है. सपोज हमने इसकी जो है वो एक्सपेंशन की मिडिल टर्म फाइंड करनी है, उसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए जो कि मैं पहले बता भी चुका हूं आपको कि इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी एक्सपेंशन में, ठीक है. अगर जिसको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने पहले एक दो लेक्चर्स में वो जिक्र किया है उस चीज़ का कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हमने पॉइंट्स पे देखी थी, ठीक है. पहला पॉइंट था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनती है, एन प्लस वन, यानी कि जितनी पावर होगी उसमें प्लस वन अगर कर दें, यानी कि एक का इंक्रीमेंट कर दें, तो वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनती हैं उसकी एक्सपेंशन की. मतलब कि यहाँ पर एन है, ठीक है, पावर, तो एन प्लस वन जो है नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी, नंबर ऑफ टोटल टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस वन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनती हैं इन द एक्सपेंशन, इन इट्स एक्सपेंशन. अच्छा, तो सपोज इसकी जो है टर्म्स बनी है जी, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इसी तरह से एक और टर्म है, तीन चार पाँच छः, ठीक है, ये टर्म्स हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः टर्म्स टोटल बनती हैं एक्सपेंशन की. तो इसमें मिडिल टर्म आप ढूंढ के बताएं कौन सी बनेगी. ये सपोज वन है, ये टू है, ये थ्री है, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, इसकी मिडिल टर्म कौन सी बनेगी. मिड में तो कोई टर्म ही नहीं है, एक टर्म यानी कि कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ से कहेंगे कि इसकी मिडिल टर्म्स दो बनती हैं, ये थ्री और फोर, थर्ड और फोर्थ टर्म, दो टर्म्स, क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना टोटल, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में आपको बताया कि मिड में दो टर्म्स आती हैं, ठीक है. तो ऑड होती तो चलो फिर हम तो एक टर्म कह सकते थे. सपोज मैं अगर पाँच टर्म्स बनाता हूँ, वन टू थ्री फोर और ये फाइव, फाइव टर्म्स होती तो मैं ये यहाँ से कहता कि ये जो टर्म है थ्री, थर्ड टर्म, ये मिडिल टर्म है, ठीक है. मतलब कि अब इसमें अब फर्क आ गया है कि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी तो दो टर्म्स बनेगी, कौन सी बनेगी वो हम अभी देखते हैं. तो और अगर ऑड होंगी तो उसका अलग से फार्मूला होगा, उसमें एक टर्म बनेगी, ठीक है. तो इसमें यानी कि दो केसेस हमारे पास आ चुके हैं. तो केस वन में, केस वन अलग अलग हम इसको केस बना के डिस्कस कर लेते हैं. केस वन हम कह देते हैं कि केस वन में n जो है इवन है, n इज इवन. अगर n इवन होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या ऑड होंगी या इवन होगी. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है किसके इक्वल होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एन प्लस वन होता है, और ये इवन है तो प्लस वन करेंगे तो ऑड बन जाएगा, तो ये तो ऑड बन जाएगा, ठीक है. तो ऑड के लिए जो है हमारा फार्मूला क्या होगा मिडिल टर्म के लिए, मिडिल टर्म आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, मिड फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, एन बाई टू प्लस वन, ठीक है. उसी तरह से मिडिल टर्म भी इस तरह से फाइंड की जाती है, ठीक है. तो ये सिर्फ जो है एक टर्म होगी, विल बी ओनली वन टर्म, विल बी Only one term, क्योंकि n even है, total number of terms odd हैं.
जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो उसमें एक मिडिल टर्म होगी, ठीक है। ये था केस वन। इसी तरह से केस टू, जब एन जो है वो क्या होगा, ऑड होगा, एन इज ऑड, यानी कि पावर जो है वो ऑड होगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एन प्लस वन होता है, तो यहाँ पर एन जो है वो ऑड है, ऑड प्लस वन इवन बन जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस केस में इवन बन जाएंगी। तो इवन के केस में इवन का मिड फाइंड करना किस तरह से हम फाइंड करते हैं, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो ये मिडल टर्म इसके इक्वल आएगी, मिडल टर्म। मिड फाइंड करना इसकी आप पहले देख चुके हैं ना, इवन के केस में क्या होता है और ऑड के केस में क्या होता है, ठीक है। छोटी क्लासेस में भी आपने देखा होगा, टेंथ क्लास में भी, फर्स्ट ईयर में भी, ठीक है, इस तरह से। तो ये है मिडल टर्म फाइंड करना, इवन जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो अब ऊपर मैंने बात की थी कि विल बी ओनली वन टर्म, अगर एन ईवन है तो मिडल टर्म सिर्फ एक होगी, अगर एन ऑड है तो मिडल टर्म दो होंगी, ठीक है। तो एक एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, यानी कि इतनी टर्म बनेगी, वन टर्म, और साथ में एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू, ये वाली टर्म भी मिड में आएगी, ठीक है। ये दो टर्म्स आती हैं, मिडिल टर्म इसको कहा जाएगा। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि मिडिल टर्म्स फाइंड कैसे करनी है, एन जब इवन हो, जब ऑड हो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि क्या सिनेरियो बनता है। सपोज हमारे पास एक बाइनोमियल गिवन है, एक्स बाय टू प्लस टू बाय एक्स स्क्वायर की पावर 12। ये हमारे पास एक बाइनोमियल है, एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी हमने जो है मिडिल टर्म फाइंड करनी है, फाइंड द मिडिल टर्म। चलें जी, इसकी हम मिडिल टर्म फाइंड करते हैं। मिडिल टर्म अब यहां पर देखें, n क्या है, n इज इक्वल टू है 12, यानी के इवन है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 12 प्लस वन होंगी, यानी कि 13 होगी, मतलब कि ये ऑड होंगी। तो ऑड में, ऑड के केस में हमारी मिडिल टर्म किसके इक्वल होती है, ऑड के केस में मिडिल टर्म इज इक्वल टू एन बाय टू प्लस वन टर्म के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये वाली टर्म हमने फाइंड करनी है, n बाय टू प्लस वन, यानी कि n की जगह हम 12 अगर पुट करें, 12 बाय टू प्लस वन, तो इसको आप सॉल्व करें तो क्या बनता है, 6 प्लस वन जो है 7, सेवन्थ टर्म जो है वो मिडिल टर्म होगी इस केस में, ठीक है। तो सेवन टर्म हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको याद हो तो स्पेसिफाइड, कोई स्पेसिफिक टर्म अगर आपने फाइंड करनी हो तो आपके पास जनरल फॉर्म होनी चाहिए, जनरल जो है वो आपके पास होना चाहिए फॉर्मूला, जनरल बाइनोमियल एक्सप्रेशन होनी चाहिए। तो जनरल आपको पता है किस तरह से फाइंड करनी है, तो वो फाइंड कर लें, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर इंटू ए पावर एन माइनस आर एक्स पावर आर, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं जनरल टर्म। तो चलें हम यहाँ से फाइंड करते हैं, एन की जगह अब आपको पता है पावर 12 है, 12 सी आर बन जाएगा इंटू ए पावर, ए यहां पर क्या है, एक्सप्रेशन देख लेते हैं, एक्स बाय टू है, एक्स बाय टू की पावर 12 माइनस आर, और एक्स यहां पर क्या है, एक्स यहां पर है टू बाय एक्स स्क्वेयर, टू बाय एक्स स्क्वेयर, तो टू बाय एक्स स्क्वेयर की पावर क्या है, आर है, तो यहां पर भी आर हम पुट कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जनरेटर बनेगी 12 सी आर इंटू एक्स पावर 12 माइनस आर डिवाइडेड बाय 2 पावर 12 माइनस आर इंटू 2 पावर आर
इंटू एक्स पावर माइनस टू आर। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 12 सी आर इंटू टू पावर टू आर माइनस, यानी कि इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, तो टू आर माइनस ट्वेल्व इंटू एक्स पावर 12 माइनस थ्री आर, यानी कि ये आपस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है, इसकी पावर्स। तो ये बन जाएगा टी आर प्लस वन जनरल टर्म। अब हमने फाइंड कौन सी करनी है, मिडिल टर्म कौन सी है, सेवन्थ टर्म। तो सेवन्थ टर्म के लिए हम फॉर फाइंडिंग सेवन्थ टर्म हम यहां पर सिक्स पुट करेंगे आर की जगह, ठीक है, पुट आर इज इक्वल टू सिक्स, तो जाके ये टी सेवन बनेगा ना। तो टी सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू 12 सी सिक्स, टू पावर 2 इंटू सिक्स इज 12 माइनस 12 इंटू एक्स पावर 12 माइनस 3 इंटू सिक्स इज 18, यानी कि टी सेवन किसके इक्वल आ जाएगा, 12 सी सिक्स, इसको आप कैलकुलेट कर लें तो आपके पास जो सेवन्थ टर्म आएगी वो बनेगी 924 डिवाइड बाय एक्स पावर 6, ठीक है, इसमें आप पुट करके इसको सॉल्व करके देख लें। तो ये है मिडिल टर्म, इस तरह से फाइंड करते हैं मिडिल टर्म, ठीक है। तो चलें, ये हमने मिडिल टर्म के फार्मूलाज भी देख लिए, उसकी उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं कि सम डिडक्शंस फ्रॉम बायनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, सम डिडक्शंस फ्रॉम बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एक्स पावर एन, यानी कि ये बायनोमियल एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इसकी एक्सपेंशन में से कुछ हमने डिडक्शंस करनी है। चलें पहले हम इसकी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, यानी कि एक्सपेंशन लिख लेते हैं। तो ए प्लस एक्स पावर एन किसके इक्वल होगा, एन सी जीरो इंटू ए पावर एन प्लस एन सी वन इंटू एक्स, और साथ में ए पावर एन माइनस वन पहले हम लिख लेते हैं, ए पावर एन माइनस वन और एक्स पावर वन आ जाएगी, साथ में प्लस एन सी टू इंटू ए पावर एन माइनस टू एक्स पावर टू प्लस एन सी, बल्कि आगे सो ऑन कर देते हैं, अब सारी टर्म्स तो नहीं लिखनी है ना, प्लस सो ऑन, और मिडिल टर्म आप लिख लेते हैं एन सी आर इंटू ए पावर एन माइनस आर, ये एक्चुअल में मिडिल टर्म नहीं है, वो आर प्लस वन वाली होती है, ठीक है, तो एक्स पावर आर प्लस वन एन, सेकेंड लास्ट जो टर्म है वो एन सी एन माइनस वन इंटू ए पावर वन हो जाएगी और एक्स पावर एन माइनस वन हो जाएगी, और लास्ट टर्म है एन सी एन और साथ में एक्स पावर एन आ जाएगा। तो ये हमारे पास बायनोमियल एक्सप्रेशन है, एक्सपेंशन है, ठीक है उसकी। तो अगर हम इसमें वन पुट करें ए की जगह, ठीक है, और एक्स की जगह भी वन पुट करें, पुट एक्स इज इक्वल टू वन एंड ए इज इक्वल टू वन, तो क्या होगा, चलिए पुट करके देखते हैं, ए प्लस एक्स, बल्कि हम इसकी सिर्फ एक्सपेंशन में पुट करते हैं, चलें यहां पर ए की जगह भी वन आ रहा है और एक्स की जगह भी वन आ रहा है, वन प्लस वन पावर एन, ठीक है, इज इक्वल टू अब एन सी जीरो इंटू ए पावर, ए वन है तो वन पावर एन इज वन प्लस एन सी वन इंटू ए की पावर, ए वन है उसकी जो भी पावर हो वन ही रहेगी, एक्स भी वन, ठीक है, यानी कि ए और एक्स की जगह हम वन पुट कर रहे हैं, तो
एन सी टू इंटू वन आ जाएगा, प्लस सो ऑन एन सी आर इंटू वन, प्लस सो ऑन एन सी एन इंटू वन, ठीक है। यानी कि ये आप देखें, ये सिर्फ ए भी खत्म हो गया, एक्स भी खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ कॉफिशियंट्स आ रहे हैं और उनका सम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब कि हम जब एक्स को वन पुट करें और ए को वन पुट करें, ठीक है, दोनों को एक साथ वन पुट करें, तो हमारे पास जो है कॉफिशियंट्स का सम आ जाता है। राइट साइड पे अगर आप अगर देखें तो ये कॉफिशियंट्स का सम हो रहा है, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2 पावर n के इक्वल होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड से आप देख सकते हैं कि सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2 पावर n, यानी कि जितनी पावर है उसको 2 पावर n आप जो है उसकी मदद से, अगर आपसे कहा जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपने कॉफिशियंट्स का सम फाइंड करना है, मतलब कि जो एक्सपेंशन है उसमें सिर्फ कॉफिशियंट्स का सम फाइंड करना है, तो आप 2 पावर n से फाइंड कर सकते हैं। n जो है वो आपको पता है कि इंडेक्स है ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉफिशियंट्स का सम फाइंड कर सकते हैं, a को 1 पुट करके और x को भी 1 पुट करके, या फिर आप 2 पावर n से फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। उसके अलावा हम अगर a को 1 पुट करें और x को -1 पुट करें तो क्या होगा, देखते हैं। 1 -1 पावर n इज इक्वल टू एन सी 0 माइनस एन सी 1 प्लस एन सी 2 माइनस एन सी 3 प्लस सो ऑन, और यहां से बन जाएगा माइनस प्लस -1 पावर n-1 एन सी n-1, ठीक है, प्लस -1 पावर n लास्ट टर्म एन सी n, ठीक है। तो ये हमारे पास, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया, ये लेफ्ट साइड तो 0 होगी, 0, 1 - 1 0 होगी, और राइट साइड क्या बन गई है, एन सी 0 माइनस एन सी 1 प्लस एन सी 2 माइनस एन सी 3 प्लस ऑन और -1 पावर n-1। ये अब क्योंकि यहां पर मैं माइनस या प्लस क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि ये n पे डिपेंड करता है कि इवन है या ऑड है, ठीक है, इंटू एन सी n-1 और प्लस -1 पावर n एन सी एन, और साथ में क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये यानी कि अब अगर हमने a को 1 पुट किया, x को -1 पुट किया, तो हमारे पास इनका जो सम बनेगा इक्वल टू 0 आएगा। अब ये कौन सी टर्म है, ये पहली टर्म है, चलिए मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म, इस तरह से, यानी कि जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, इवन टर्म्स हैं, बल्कि ये थर्ड टर्म है, ठीक है, जो इवन टर्म्स आपको नजर आ रही हैं ये इवन टर्म है, ठीक है, इसी तरह से इससे नेक्स्ट ये इवन टर्म है, उसके साथ नेगेटिव साइन आ गया, और जो ऑड टर्म्स हैं उसके साथ पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इफ एन इज इक्वल टू एन इज ऑड, अगर एन जो है वो ऑड होगा तो क्या होगा, इफ एन इज ऑड तो क्या होगा, एन सी 0 प्लस एन सी 2 ये वाली टर्म होगी, ठीक है, प्लस सो ऑन कहां तक, n-1 और यहां तक आएगी, ठीक है, नेक्स्ट वन जो है वो इवन आ जाएगी। उसके बाद इज इक्वल टू किसके आएगा, एन सी 1 प्लस एन सी 3 प्लस सो ऑन एन सी एन के, यानी कि अगर एन जो है वो ऑड हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हमारे पास ये बन जाएगा इससे। इसी तरह से अगर इवन हो तो क्या बनेगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि एन सी 0 प्लस एन सी 2 प्लस सो ऑन एन सी एन इज इक्वल टू, यानी कि दोनों केस में जो है वो एक दूसरे के इक्वल आएंगे, एन सी 1 प्लस एन सी 3 प्लस ऑन एन सी एन-1,
इफ एन इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हमने कुछ यानी कि यहां से देखे हैं डिडक्शंस, यानी इस अब लास्ट में जो हमने किया है कि एक वन पुट किया, एक्स को माइनस वन पुट किया, उसके बाद हमने देखा कि एन अगर ऑड हो तो क्या होता है, एन अगर इवन हो तो क्या होता है। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑड कॉफिशियंट्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन इक्वल टू सम ऑफ इट्स इवन कॉफिशियंट्स, मतलब कि सम ऑफ ऑड कॉफिशियंट्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो इक्वल होंगे इवन कॉफिशियंट्स के। इसी तरह से आप नीचे भी देख सकते हैं सम ऑफ ऑड जो टर्म्स हैं या सम ऑफ ऑड कॉफिशियंट्स हैं उनका सम जो है वो सम ऑफ इवन कॉफिशियंट्स के इक्वल होगा। ठीक है, यहां से हमें ये मिलता है, यहां मैं लिख देता हूँ सम ऑफ, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को अगर आप सम करें और जो रिजल्ट आएगा वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स को अगर ऐड करें उसके रिजल्ट के इक्वल आएगा। तो सम ऑफ ऑड कॉफिशियंट्स ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स इवन कॉफिशियंट। ठीक है, यहां से ये हमारे पास रिजल्ट आया। तो यहां पर अब हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 8.2 को।